डॉक्टर राजीव त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, अमरोहा जैसी जगह में शिक्षा बेहद जरूरी है, और अब मैं अगर ये कहूं कि धीरे धीरे अमरोहा शिक्षा का हब बन जाएगा तो शायद गलत नहीं होगा। चूंकि आप सर चांसलर हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के गजरौला से, वहां पर किस तरीके का आप माहौल देखते हैं शिक्षा को लेकर, वहाँ के जो युवा हैं, पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद लोग एडुकेशन को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन अभी के लोग चाहते हैं कि वो वेल एडुकेटेड हों, वो कुछ कर सकें। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने जन सरोकारों से जुड़े इस मुद्दे को, और वो भी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में, एक जिसको अभी नवसृजित डिस्ट्रिक्ट है, अभी 10-20 साल पहले ये बना है, 2000 में इसका सृजन हुआ था जिले का 2000 के बाद। तो वहाँ अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक दशक पहले जब हमने शुरुआत की थी, लगभग डेढ़ दशक पहले हमने 2006-07 में शुरुआत की थी, तो उस टाइम 2-3 सरकारी कॉलेज के अलावा और प्राइवेट में 2-3 छोटे छोटे संस्थान जिले में थे। इस एक दशक के पीरियड्स की अगर हम बात करें ग्रेजुअली, तो उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 2 दर्जन से ज़्यादा हो गई है। तो जो आपने रखा है टॉपिक बहुत ही शानदार कि इसमें क्या संभावनाएं, और अमरोहा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो सुविधा विहीन माना जाता था, आज उच्च शिक्षा के लिए, स्पेशली उस शिक्षा को मैं बिलोंग करता हूँ तो उसी की बात करूँगा, हम स्कूली शिक्षा की भी बात करेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में 2 दर्जन से अच्छे उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थान यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इससे जहाँ एक तरफ स्थानीय युवाओं को उनका पलायन रुका है, जो उस शिक्षा के लिए गुड़गांव दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, आज वो यहीं पे आधे से भी कम फीस पे उस शिक्षा को यहाँ पर ले रहे हैं। तो और दूसरा जो इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं, नए नए रोजगार के अवसर मिले हैं। हजारों, अगर मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इसी तरह ये सब मैडम तीर्थांकर यूनिवर्सिटी से हैं, आप जमनलाल कॉलेज से हैं, तो नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप होने से हजारों लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अवसर सृजित हुए हैं इसमें।